नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। दोस्तों, टैली ERP9 का ये लेक्चर नंबर 10 है हमारा और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेट वाइज एंट्री। टैली में अलग अलग डेट में सभी अलग अलग ट्रांजैक्शन की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग टैली में चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और इसमें ये कंपनी हमारी बनी हुई है। डेट वाइज एंट्री कंपनी का नाम हमने दिया हुआ है। नो वाउचर एंटर्ड, कोई वाउचर एंट्री नहीं है इसमें। अब दोस्तों, आइए ज़रा एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस था हमारा टैली का ओवरव्यू, बेसिक अकाउंटिंग, कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ कंपनी, अकाउंट्स ग्रुप। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेट वाइज एंट्री। ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, डेट वाइज एंट्री करने के लिए हमारे पास असाइनमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सा है। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट नंबर 5, कैपिटल 5 लाख रुपये, बैंक डिपॉजिट 2 लाख रुपये, बैंक विदड्रॉल 50,000 रुपये, परचेज 20,000 रुपीज़, सेल्स 50,000 रुपीज़, फर्नीचर 20,000, रेंट 5,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 850 रुपये, टेलीफोन बिल 500 रुपये। तो दोस्तों, डेट वाइज एंट्री करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों, इसको टैली में हम लोग फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं, फाइनेंशियल पीरियड, और ये हमारा नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसे हम लोग बजट सत्र कहते हैं, बजट सत्र, जिस मंथ में, जिस ईयर में कोई भी कंपनी अपना बजट निर्धारित करती है। तो दोस्तों, वो होता है आपका 1 अप्रैल लास्ट ईयर से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, इस कंपनी का जो हम मान के चलेंगे, ये हम लेके चलेंगे 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे। और दोस्तों, शॉर्टकट कीज यहाँ पे कुछ दी गई हैं। अगर हमें फाइनेंशियल पीरियड चेंज करना है, उसके लिए शॉर्टकट की होता है Alt+F2, प्रेस करेंगे तो चेंज फाइनेंशियल पीरियड का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें हम लोग ये डेट एंटर कर देंगे, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा। और अगर हमें डेट वाइज डेट चेंज करनी है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो हम F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। तो दोस्तों, डेट वाइज एंट्री में डेट ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए हम लोग दोस्तों टैली में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों, ये कंपनी हमारी बनी हुई है और इसमें लेजर्स भी हमने बना रखे हैं। लेजर्स को एक बार मैं शो कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लेजर्स आप लोग बना लें। ये लेजर है दोस्तों, कैपिटल, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर ऐसे हैं जो कंपनी क्रिएट होते ही अपने आप से क्रिएट हो जाते हैं, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर, ICICI बैंक, परचेज, रेंट, सेल्स, टेलीफोन बिल, ये हमारा इसका यहाँ पे अंडर दिया हुआ है। अगर आप लोग लेजर बनाना चाहें तो यहाँ से देख के, यहाँ से अंडर इसका देख के आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बाहर आते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम डेट वाइज एंट्री करेंगे तो कंपनी क्रिएट करते समय कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर हमने दे रखा है वो क्या है, ये दोस्तों मायने रखता है। तो चलिए एक बार हम लोग कंपनी के अल्टरेशन में जाके देख लेते हैं। Alt+F3 करेंगे और यहाँ से अल्टर कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2017 से स्टार्ट हो रहा है और यही हमें लेना भी है, तो ये हमारा सही डेट है, यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, हम बाहर आ जाएंगे, लेजर क्रिएट हो चुका है हमारा, हम सीधे अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री पे जाएंगे। यहाँ पे गए, एंटर किया। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जैसे जैसे हमारे पास ये, जिस ऑर्डर में हमारे पास ये लेजर्स हैं असाइनमेंट के, इसी ऑर्डर में हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल है 5 लाख रुपए, देन बैंक डिपॉजिट,
तो यहाँ पे हम कैपिटल की एंट्री दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए पेमेंट वाउचर है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आएगा और यहाँ पे कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों 5 लाख रुपए। और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेट हमने सेट नहीं की। ऑल्ट प्लस F2 करेंगे, चेंज पीरियड का ये देखिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पे पीरियड हम सेट कर देंगे 1/4/2017 31/3/2018, ये हमारा पीरियड सेट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम फिर से F2 प्रेस करेंगे, डेट सही कर देंगे 1/4/2017, एंटर। अब ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेट हमारा 1 अप्रैल 2017 हो चुका है। अब हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे, ये हमारी कैपिटल की एंट्री हो गई। अब हमें बैंक में डिपॉजिट करना है 2 लाख रुपीज़, तो इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर चाहिए। F4 प्रेस करने से कॉन्ट्रा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा आ गया। अब सबसे पहले हम F2 करके डेट चेंज कर लेंगे, F2 प्रेस किया, डेट 2 तारीख अपने आप आ गई दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम F2 प्रेस करते हैं तो जो करंट डेट होती है उससे एक डेट आगे अपने आप टैली बढ़ा देता है। और अगर हमें कई दिन स्किप करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 10 तारीख चाहिए, तो हमें डालना होगा 10/4/2017, इस तरह से दोस्तों एंटर करके, और हम 10 तारीख की डेट में एंट्री कर सकते हैं। मैं 2 तारीख में ही एंट्री करूँगा, यहाँ पे 2/4/2017, एंटर। अब यहाँ पे हमें बैंक डिपॉजिट करना है, तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए और बैंक हमारा दोस्तों यहाँ से डेबिट हो जाएगा। ये डिटेल्स हम एंटर करते चले जाएंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, दिया करिए यहाँ पे, जैसे डिटेल्स मांगता है और स्किप करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करते हैं हम लोग, तो ये एंट्री सेव होके आगे चली जाती है। अब हमें बैंक से विड्रॉल करना है अलग डेट में, तो F2 प्रेस करेंगे, 3 तारीख हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ओ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो टैली का सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टैली के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एजुकेशनल मोड के लिए और दूसरा होता है प्रोफेशनल मोड के लिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम लाइसेंस की इसकी इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे, तो ये हमारा प्रोफेशनल टैली बन जाएगा। अभी ये हमारा क्या है, एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड दोस्तों एजुकेशन के लिए होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक प्रॉब्लम होती है कि जो इसमें डेट होता है वो 1 तारीख और 2 तारीख को ही एक्सेप्ट करता है, 3 तारीख से डेट आगे एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, 1 तारीख और 2 तारीख में ही एंट्री करनी है। तो जैसे 1/4/2017 को एंट्री हो गई, 2/4/2017 को एंट्री हो गई, अब हम 1/5/2017, फिर 2/5/2017, इसी तरह से 1/6/2017, 2/6/2017, मंथ हम चेंज करते हुए चले जाएंगे और जो डेट होगा हमारा वो 1 और 2 तारीख ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डेट जो है चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1/5/2017 हमने कर दी। अब यहाँ से बैंक से विड्रॉल करेंगे दोस्तों, 50,000 विड्रॉल करना है, तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 50,000। और ये फिर से कंट्रोल ए कर दीजिए, स्किप हो गया, और यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा 50,000, आपका डेबिट हो जाएगा। ये बैंक डिपॉजिट विड्रॉल की एंट्री हो गई दोस्तों। अब इसके बाद हमारे सामने क्या है, परचेज 20,000, सेल्स 50,000। तो दोस्तों परचेज करने के लिए हम लोग परचेज में जाएंगे, F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, हमारा परचेज आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो नेम ऑफ आइटम यानी कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का ऑप्शन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि गोदाम में क्या क्या सामान आपने खरीदा। तो दोस्तों ये चीज़ हम नहीं बताएंगे, अभी हमें क्या करना है, ये हमें आगे करना है, अभी हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को स्किप करना है। इसके लिए हम लोग कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों यहाँ पे हमें कंट्रोल वी क्यों प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे एज इनवॉइस लिखा हुआ है, तो जो एज इनवॉइस होता है ये हमारा अकाउंट्स ओनली जब हम यूज़ करते हैं तब एज इनवॉइस में हम लोग एंट्री करते हैं, जिसमें परचेज और सेल्स में डेबिट और क्रेडिट पूछता है। दोस्तों अगर हम इस पर क्लिक कर यहाँ पे एज इनवॉइस अगर हम कर देते हैं तो ये अब हमारा ये इनवॉइस मोड में आ गया। दोस्तों जब ये इनवॉइस मोड में आ जाएगा तब हमें आइटम्स के नेम डालने पड़ेंगे कि हमारे पास आइटम्स कौन कौन से हम खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अभी आइटम अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन हमने नहीं बताया हुआ है, इसलिए इस मोड को हमें चेंज करना होता है, यहाँ से एज वाउचर लेना होता है। तो हम एज वाउचर पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वाउचर मोड में आ जाता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट आसानी से हम बता के आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, जैसे हमने 001 डाल दिया, डेट आ गई, और परचेज कर रहे हैं हम तो कैश क्रेडिट होगा, इसको कंट्रोल ए से स्किप कर देंगे, और अमाउंट कितना है 20,000, और परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। दोस्तों ये एंट्री हो गई हमारी, एंटर करेंगे सेव हो गया। सेल्स की एंट्री करेंगे, ऑल्ट प्लस सॉरी F8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे शॉर्टकट की F8 प्रेस करेंगे, सेल्स आ गया। इसमें भी देखिए दोस्तों यहाँ पे एज वाउचर इनवॉइस मोड शो कर रहा है यहाँ पे, तो वाउचर मोड पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए, या हम कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, सेल्स कर रहे हैं, कैश डेबिट हो रहा है, ये एंटर करते चले जाएंगे 50,000 का, ओ 50,000 एंटर करेंगे, सेल्स हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ये एंट्री हो गई हमारी। अब इसमें डेट चेंज करनी है, F2 प्रेस करेंगे, 2/5/2017 एंटर करेंगे, और 2 तारीख की डेट में हमारा ये एंटर हो गया। इसके बाद अगला हमारा फर्नीचर है 20,000 का, फर्नीचर दोस्तों पेमेंट में होगा, F5 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, ये देखिए यहाँ पे पेमेंट आ गया हमारा, यहाँ से ले लेंगे फर्नीचर 20,000 बाई कैश। इसके बाद हमारा है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल, हमने ले लिया रेंट, रेंट है आपका 5,000 का। दोस्तों कैश डेट चेंज कर देंगे यहाँ पे F2 एंड 3 तारीख फिर से नहीं लेगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/6/2017 एंटर, ये डेट हमारी चेंज हो गई। इसके बाद से हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹850, इलेक्ट्रिसिटी बिल 850, कैश यहाँ पे डेट चेंज करेंगे F2 2/6/2017, टेलीफोन बिल 500, कैश डेट चेंज कर देंगे F2, अब ये 3 तारीख से आगे फिर नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1/7/2017 एंटर। ये दोस्तों सारी एंट्री हो गई हमारी, स्किप करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, यहाँ पे असाइनमेंट पे जाइए, ये सारी एंट्री हो गई हमारी। अब दोस्तों जब हम यहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ से, ये हमारा यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल शो करेगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, ₹23,650 हमें प्रॉफिट हो रहा है। स्किप करके बाहर जाएंगे, बैलेंस शीट देखेंगे यहाँ पे, ये
यहाँ पे ऑल्ट एफ ऑन करेंगे, ये देखिए हमारा बैलेंस शीट है। अब दोस्तों मेन क्या होता है, यहाँ से जब हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में और यहाँ से डेबुक में, तो दोस्तों डेबुक क्या होता है हमारा, डेबुक एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसपे पिछले 10 साल तक की एंट्रीज को डेट वाइज, पर्टिकुलर वाइज, वाउचर टाइप वाइज, वाउचर नंबर और डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ में हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हमें सारी एंट्रीज देखनी है तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए लास्ट एंट्री ही केवल शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो लास्ट की डेट लगी हुई है। हमें पूरा पूरा फाइनेंशियल ईयर एंटर करना होगा तब जाके सारी एंट्री शो करेगी। ऑल प्लस F2 प्रेस करेंगे और फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या था, 1/4/2017 से 31/3/2018 एंटर करेंगे दोस्तों, ये हमारी एंट्रीज यहाँ पे शो कर रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल्स भी शो करेगा, कैपिटल, कैश, कैश बैंक, बैंक कैश, कैश परचेज, फर्नीचर कैश, कैश सेल्स, रेंट कैश, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश, टेलीफोन बिल कैश, ये पूरा शो कर रहा है। यहाँ पे वाउचर टाइप शो कर रहा है, वाउचर नंबर शो कर रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो दोस्तों ये डेबुक है हमारा, डेबुक पे अलग अलग डेट में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेट 1/4/2017, 2/4/2017, 1/5/2017, 1/5/2017, 2/5/2017, 2/5/2017, 1/6/2017, 2/6/2017 एंड 1/7/2017 में अलग अलग डेट में सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डेट वाइज एंट्री, स्किप करके बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्लास देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए YouTube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पे मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।